सेवन हादसे में जाँ बहक 20 अफराद की लाशें खैरपुर के आबाई गांव दाऊद फलपुटो पहुंचा दी गई। वैन ड्राइवर शाहनवाज की बीवी, दो बेटियां और अकलौता बेटा भी हादसे में जाँ बहक। ड्राइवर का कहना है कि जिस जगह मंचर झील को कट लगाया गया वहां रहनुमाई के लिए कोई निशान नहीं, गाड़ी की स्पीड 40 थी, अचानक गड्ढे में जा गिरी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में मुबीना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में दो मुलजमान हलाक, गैर कानूनी असलहा और छीना गया सामान कब्जे में ले लिया गया। सुपर हाईवे पर मवेशी मंडी के करीब पुलिस मुकाबला, दो मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। जमाली गोट और बफर जोन में डाकू की फायरिंग से दो नौजवान जख्मी। लाहौर में चुहंग के इलाके में भाई ने सगी बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नशे के लिए पैसे ना मिलने पर अपनी बहन को गोली मार दी। ग्रीन टाउन के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान ताजर हबीबुल्ला जहां बहक हो गया। फतेह जंग में रेलवे फाटक के करीब ऑयल टैंकर डिवाइडर से टकरा गया। ऑयल लीक होकर सड़क पर बहने लगा। पुलिस के मुताबिक टैंकर में 60,000 लीटर ऑयल मौजूद था। पुलिस और रेस्क्यू अहलकारों ने सड़क को दोनों तरफ से सील कर दिया। सातवीं थल जीप रैली का आगाज आज से होगा। रैली के लिए 190 किलोमीटर तवील खतरनाक ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क के नामवर रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। और वक्त आ गया है कि अब नई नस्ल क़यादत करें। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया।